Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Muhammad Yunus Kasrani and you are watching Yunus Kasrani YouTube channel. So, आज की वीडियो में हमारे पास जो 4 सितंबर को पेपर हुआ था NMD CAT 2021 का, वो हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह जितने मैक्सिमम MCQs हुए वो हम आपसे शेयर करेंगे. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिया करें. इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे देन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और साथ साथ मतलब जितना हो सके उस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, उस MCQs को चेकआउट करें, ठीक है? इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें. चलें चलते हैं MCQs की तरफ. सो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर जो MCQs है वो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइड मैचुरेशन टेक प्लेस इन ओवरी फेलोपियन ट्यूब यूरियस एंड कैविस सर्विस. अब ये जो है इसके आंसर्स में आंसर की मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि कुछ बच्चों का भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ का आज पेपर है, कुछ मतलब कुछ का आज होगा, कुछ का कल होगा, तो इस तरह क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो इसलिए मैं की पहले अपलोड कर पहले जो क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ, की बाद में अपलोड करता हूँ क्योंकि की लेट आती है ना, इस वजह से अगर उसका इंतज़ार किया जाए तो फिर ये बच्चों के लिए बेनिफिट नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट अगर मूव करें तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड अंडरगो एडिशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया. उसके बाद अगर नेक्स्ट चले हमारे पास है पॉलीमर कंटेनिंग एक्राइलो नाइट्राइल एज मोनोमर, ठीक है, एक्राइल पॉलीमर रैन फाइबर PVC, ठीक है, और ऑप्शन 4 जो है वो याद नहीं है. तो चलिए अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ये वाला MCQ नंबर 2 इसका जो आंसर है आपके पास वो ऑक्सीडेशन आएगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट अगर मूव करें द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर करंट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपने आंसर बताना है. देन इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें देन वन आई डैश डियर एट द जू, ठीक है, सी सा हैव सीन, ठीक है, ये आपने बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास. इन विच ऑक्सीडेशन स्टेज स्टेप रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बोथ एंड नन ऑफ दीज. नेक्स्ट अगर हम मूव करें देन हमारे पास है इफ थ्री राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए डिफरेंट पॉइंट देन शो हाउ मेनी सिमिलर प्रोटीन आर फॉर्म, ठीक है, नो सिमिलर प्रोटीन, 1, 2 और 3, ड्यूरिंग विच प्रोसेस द सर्फेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज्ड, इंडोसाइटोसिस, प्रोलाइसिस, फैगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस. देन अगर नेक्स्ट मूव करें देन हमारे पास है सेल्फ रिपेयरिंग फिनोमेना इज नॉट अकरिंग इन सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नन ऑफ दीज, विच इज नॉट द साइटोप्लाज्म बॉडी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, राइबोसोम, प्लास्टिड. नेक्स्ट अगर मूव करें देन हमारे पास MCQ आता है विच कंपोनेंट इज नॉट फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स. तो इनमें से अगर राइट आंसर मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो जस्ट इसको गूगल करके आंसर देख लीजिएगा. नेक्स्ट है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए इट विल नॉट प्रोड्यूस एंटी ए बॉडीज, एंटी बी बॉडीज, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम मूव करें देन हमारे पास है कि RB ब्लड ग्रुप सिस्टम आर मल्टीपल एलील, पॉलीजेनिक, बोथ, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट है बॉम्बी फिनोटाइप इज स्किन कलर फिनोटाइप, या कौन सा फिनोटाइप होता है वो आपने बताना है. इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्क, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इनमें से आंसर बनता है तो ओके, अदरवाइज आप इसको चेकआउट कर लें. नेक्स्ट है पॉलीमर आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा, इसी वजह से इन्होंने यही बताया, बाकी ऑप्शन नहीं है आदमी को. नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन C2H2, 2 बॉन्ड, 3, 4 और 5, सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, तो ये ऑप्शन जस्ट आप गूगल कर लें तो आप ये आगे कहीं आप बुक की डेफिनेशन होगी उसको चेकआउट कर लें, ठीक है. नेक्स्ट है विच वेव डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड वेव, लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव, ऑल ऑफ वेव्स, ठीक है, वैक्यूम में कौन सी वेव ट्रेवल नहीं करती वो आपने बताना है. नेक्स्ट अगर मूव करें देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं आता, इस वजह से जस्ट आप यही है कि आप इसको चेकआउट करें कि कितने टाइप्स होते हैं पॉलीमर्स की. नेक्स्ट मूव करें वन फर्टिलाइजेशन डन देन ओवीएम, ओवीएम इज फॉर्म, दिस ओवीएम इज अप्लाइड, डिप्लॉयड, आफ्टर टाइम बिकम डिप्लॉयड, मे बी डिप्लॉयड, मे बी अप्लाइड, द टर्म क्रोमोसोम्स वर कॉइन्ड बाय, ठीक है, नेक्स्ट है बल्कि द टर्म क्रोमोसोम वर कॉइन्ड बाय स्ट्रिन, बोवेरी एंड वेल डियर, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो इज द राइट वन. देन नेक्स्ट मूव करें इन मेल जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स क्रोमोसोम, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके पास बोथ ए एंड बी इज द राइट वन. नेक्स्ट मूव करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, सो कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज. नेक्स्ट मूव करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आल्सो कॉल्ड स्टेटलाइट्स, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर, टेलोमेयर्स, काइनेटोकोर्स, ठीक है.
सो द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम ये आपने बताना है, तो उसमें यहाँ पे इसकी जगह आप कर लेते हैं द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज टेलोमेयर्स, ठीक है, टेलोमेयर्स जो होते हैं एंड होते हैं। हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, सो वन सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन। नेक्स्ट बात करें तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द क्रोमोसोम, सो ऑफ मिस्टर जो ऑप्शन डी इसका वो राइट वन है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें देन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेटाफेज, ठीक है, सो आंसर ए एंड बी, अ क्रोमोसोम इज थिकेस्ट ड्यूरिंग द मेटाफेज, अ क्रोमोसोम इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग द, थिक भी होता है शॉर्टेस्ट भी होता है ड्यूरिंग मेटाफेज। नेक्स्ट मूव करें द फुली एक्सप्रेस एलील इज रेफर्ड टू एज डोमिनेंट रिसेसिव होमोलोगस एंड हेटेरोजोगस, सो डोमिनेंट इज द राइट आंसर देयर। नेक्स्ट अगर मूव करें ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज इन अ बोन मैरो सेल ईच ऑफ द क्रोमोसोम हैज नो क्रोमेटिड, वन क्रोमेटिड, टू और सेवरल क्रोमेटिड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिएक्शन यूज टू लोकेट पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड, डिहाइड्रेशन, ऑजोनोलाइसिस, ठीक है, तो ये आपके पास इसका कौन सा आंसर बनेगा वो आपने इसको चेकआउट कर लेना। व्हेन फर्टिलाइजेशन डन इन द ओवियम इज फॉर्म्ड दिस ओवियम, ये वाला रिपीट हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ